हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आप कह सकते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ग्रेविटी या फिर बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो पहले ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ठीक है, देखो इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं कि सपोज ये अपनी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के आसपास कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m, बहुत ही करीब है ये अर्थ के सरफेस से, और ये अर्थ का रेडियस अगर r है और इसका मास कैपिटल m है। ठीक है, तो न्यूटन साहब के जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो दुनिया में कोई भी मास पार्टिकल हो अगर, है ना, ये m1 है, ये m2 है, तो ये एक दूसरे को देख के बोलेंगे आओ। आओ मतलब अट्रैक्शन फोर्स। अगर इनके बीच का पॉइंट मासेस के बीच का गैप r है तो जो फोर्स लगने वाला है ये वाला या ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही हमारे पास दो मासेस हैं, एक अर्थ हो गया और एक ये पॉइंट मास हो गया, तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा तो अर्थ फोर्स लगाएगी इस पार्टिकल पर f, और उतना ही फोर्स ये पार्टिकल भी लगाएगा अर्थ पर। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स जो लगेगा किस पर, पार्टिकल पर, फोर्स ऑन पार्टिकल या फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो आएगा एफ। उसको सेम एक्सप्रेशन के द्वारा लिखा जाएगा एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ के बहुत करीब था इसलिए हमने रेडियस जो है आर के इक्वली ले लिया। ठीक है, ओके। और ये हम जानते हैं नेट फोर्स किसी पार्टिकल पर एम ए के इक्वल होता है। एम से हम चले गए, ए जो आया वो आया हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चूँकि ये एक्सेलरेशन है, लेकिन ये एक्सेलरेशन आया ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें अगर सारे टर्म्स की बात करोगे तो जी भी कॉन्स्टेंट है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ अगेन कॉन्स्टेंट, तो ये आने वाला है कॉन्स्टेंट। सही है, क्लियर है। अर्थ के सरफेस के पास अगर दूर ले जाओगे इससे, अगर ऊपर ले जाते हो तो जी का वैल्यू या जो ए आपने निकाला है वो डिफरेंट आएगा, लेकिन नियर अर्थ सरफेस, है ना, नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस आप ये कहोगे कि जो ए है या फिर जो जी है वो क्या आने वाला है, कॉन्स्टेंट आने वाला है। क्लियर है, ये छोटी सी बात, और उसका वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमें ये समझ में आया कि दिस इज़ अ कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम तीन तरीके के इक्वेशन की बात करते हैं, है ना, और उसका डेरिवेशन हमने पहले ही कर लिया है ना। क्या क्या देखना ध्यान से, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन बताया था मैंने कि जब भी 1D मोशन हो तो आप इन्हें एज ए स्केलर इस्तेमाल कर सकते हो, बट शर्त ये है कि आप विद साइन कन्वेंशन इनको यूज़ करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या था, साइन कन्वेंशन बड़ा ही आसान सा कि जो भी वेक्टर ऊपर होगा उसे पॉजिटिव मान लो, जो भी वेक्टर नीचे होगा उसे नेगेटिव मान लो, जो राइट में जाए उसे पॉजिटिव ले लो और जो लेफ्ट में जाए उसे क्या बोल लो, नेगेटिव। ठीक है, ये इतनी बात अगर ध्यान रखते हो तो आपके लिए मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन बड़े आसानी से डील हो जाएंगे, है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, देखना, है ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, इधर देखो, देखना ध्यान से, एग्जांपल ये लिया कि मान लो हमारे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका किसी स्पीड यू नॉट से। ठीक है, हमसे बोला कि फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई पार्टिकल। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, बड़ा ही आसान है, एक क्वेश्चन भी अगर आप ढंग से समझ जाओगे ना तो चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। तो देखो क्या क्या दे रखा है आपको, हमें पता है कि ये जो है मोशन जो है वो ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, तो हम एक्सेलरेशन जो लिखेंगे वो जी के इक्वल लिखेंगे। अब बात ये आती है कि सर जी लगता किधर है, भाई अर्थ नीचे इधर, तो जी चाहे ये ऊपर जा रहा हो चाहे ये नीचे आ रहा हो पार्टिकल, जी हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे। और अभी मैंने आपको बताया कि जो भी वेक्टर नीचे हो उनके आगे क्या लगा दो, माइनस साइन। तो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट ये थी, इनिशियल वेलोसिटी जो था
वो कितना है यहाँ पे प्लस यू नॉट। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि अगेन वेलोसिटी आपका ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमें पॉजिटिव लेके चलना। एट द पॉइंट वेयर मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, एट दैट पॉइंट वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, क्योंकि भाई ये जा रहा है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पहुँचेगा तो पलटी मार के वापस आएगा, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया जीरो। हमें चाहिए यहाँ से लेके ये ओ बोल दो, इस वाले पॉइंट को ए बोल दो, ओ से लेके ए तक का हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, या फिर यही आपका मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स। तो अगर देखा जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट आया, जिसे हम लोग एस लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा, और वो भी प्लस के साथ। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब आप डिफाइन करते हो तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, है कि नहीं, ऐसे। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन आपको अपवर्ड आ रहा है, तो अगेन ये भी हो गया। अब आप थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। तो वी कितना है, जीरो। यू कितना है सर, यू है यू नॉट। ए कितना है सर, माइनस जी। एस कितना है सर, एच मैक्स। तो यहाँ से टू जी एच मैक्स जो आया वो आया यू नॉट स्क्वायर, तो एच मैक्स कितना आ गया, वो आया यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। तो अगेन ये ऐसा फार्मूला है जिसको डिराइव करने से बेहतर है कि आप इसे याद रखें। इसे डिराइव करने में भी अगर आपको फंडा क्लियर है तो अगली बार आप बड़े ही आराम से प्यार से जो है 10-15 सेकंड में आप डिराइव कर लेंगे, बट स्टिल अगर हमें याद हो चीज़ें तो बेहतर है, ठीक है ना। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करी, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे ट्राई मारना, और उसका जो आंसर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसको हमने थ्रो किया विथ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और हमसे बोला गया कि टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का जो मैग्नीट्यूड है उसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, मतलब फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, दूसरा टाइम आफ्टर विच इट विल बी एट मैक्स हाइट। जिस टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट पर होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको जो जो डेटा दे रखा है वो लिख लो और फिर देखो कौन सा फॉर्मूला आपके सामने वो तीनों में से इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये रहा आज का हमारा ये वीडियो, और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की पूरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।